HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपार्टमेंट में भी अगर कोई दरवाजा ऐसा है जो काफी समय से खोला नहीं गया है तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। पेरिस में 1939 में जब नाजियों ने अटैक किया था तब कई पारसी घर छोड़कर भाग गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग बाहर ही सेटल हो गए और कभी लौट कर नहीं आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन घरों के बारे में भुला ही दिया गया, लेकिन एक परिवार सालों बाद वापस पेरिस लौटा और जब घर का दरवाजा खुला तो सभी की आंखें खुली रह गई। पेरिस में रहने वाली मैडम डी फ्लोरियन ने जब नाजियों के डर से घर छोड़ा था तब वो मात्र 23 साल की थी। जान बचाने के लिए उन्होंने फ्रांस को अपना नया ठिकाना बना लिया था। उनके वापस पेरिस जाने का कोई इरादा नहीं था। 2010 में जब फ्लोरियन की मौत हुई तब उनके परिवार को पता चला कि पिछले 70 सालों से फ्लोरियन पेरिस के अपने घर का रेंट भर रही थी। फ्लोरियन की फैमिली ने सालों से बंद अपने घर के दरवाजे जब खोले तो सभी हैरान रह गए। घर के अंदर बेशकीमती चीजें जैसे पेंटिंग्स और उस दौर के सामान जिनकी कीमत अब लाखों करोड़ों में थी भरी हुई थी। फ्लोरियन का मेकअप किट अब विंटेज बन चुका था और क्रीम और पोशन से भरा था। इसके अलावा कई बेशकीमती पेंटिंग्स घर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे थे। फ्लोरियन की फैमिली ने अपने इस पुराने घर के कई सामान की नीलामी की। इनमें से एक पेंटिंग को 21 करोड़ से भी ज्यादा में बेचा गया। सालों से बंद घर के दरवाजे किसी की किस्मत खोल देंगे, इसकी जानकारी कहां किसी को थी।